जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामनारायण मीना शैक्षिक अधिकारी संस्कृत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर संस्कृत विषय की प्रथम पुस्तक के तृतीय अध्याय आरोग्यम परमम सुखम विषय पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत अध्याय में चरक संहिता से कुछ पद्य लिए गए हैं जिनमें तैलमर्दन विषय पर चर्चा की गई है। तो चर्चा के लिए आज NIH स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री PM वर्मा जी। नमस्कार वर्मा जी, आपका NIH स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। वर्मा जी, सबसे सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे विद्यार्थियों को आरोग्यम परमम विषय पर संस्कृत साहित्य में कहाँ कहाँ चर्चा की गई है इस विषय में जानकारी प्रदान करें। आरोग्यम परमम सुखम, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है जिसमें स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें हैं, जो यंत्र होते हैं, जिनमें अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी वो पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य करते हैं। अगर उस शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी है तो शरीर अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर हमारे संस्कृत साहित्य में स्वास्थ्य विषय कई सारी बातें बताई गई हैं।
अगर हम वैदिक काल से शुरू करें तो हम देखेंगे कि अपना जो अथर्ववेद है वो पूरा का पूरा औषधि विज्ञान से संबंधित है। उसी का एक वेद आयुर्वेद, जो कि उपवेद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में शरीर के बारे में जितनी भी व्याधियाँ होती है उनका वर्णन किया गया है कि कितने प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों का इलाज कैसे किया जाए, कौन सी औषधि के प्रयोग से किस रोग का निवारण होगा, इस तरह की बातें वहाँ बताई गई हैं। और औषधियों के प्रकार, औषधि कहाँ मिलती है, क्या उसका लक्षण होता है, किस रोग का क्या लक्षण होता है, इस तरह की चर्चा की गई है। तो आयुर्वेद उपवेद, जो कि पूरा पूरा शरीर विज्ञान के बारे में है, उसके अनंतर हम देखते हैं कि पुराण साहित्य, उसमें भी इस तरह के कई जगह औषधियों के बारे में, रोगों के बारे में चर्चा मिलती है। उसके बाद जो इतर अपना लौकिक साहित्य है, उसमें भी औषधि विज्ञान के बारे में, रोगों के निवारण के बारे में प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। जैसा कि प्रस्तुत पाठ है आरोग्यम परमम सुखम, जो कि कालिदास के द्वारा रचित किसी श्लोक को लिया गया है। इसमें प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि तेल मर्दन से शरीर को क्या क्या फायदा है, तेल की मालिश करने से शरीर पे क्या फायदे होते हैं, इसमें बताया गया है। और प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो चरक द्वारा रचित चरक संहिता से उद्धृत हैं, जिसमें जो कि चरक वस्तुतः है काय विज्ञान से संबंधित थे। चरक ने जो अपना ग्रंथ लिखा वो चरक संहिता, जो कि 5 भागों में विभक्त है, और उसमें शरीर विज्ञान से संबंधित रोगों के बारे में बताया गया, उनका निवारण कैसे किया जाना है उनके बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ का अगर प्रथम श्लोक देखें, जो कि नित्यम स्नेहार्द्र शीर्षः शिरः शूलम न जायते न खालित्यम न पालित्यम न केशाः प्रपतन्ति च, इसका अन्वय है, यह नित्यम शिरसि तैल मर्दनम करोति तस्य स्नेहार्द्र शीर्षः शिरः शूलम न जायते तस्य न खालित्यम न पालित्यम न च तस्य केशाः प्रपतन्ति, इदानीं श्लोकम् अवगच्छामः। इसका भाव है, यह मनुष्य शिरसि तैलाभिषेचनं नित्यं करोति तस्य शिरसि पीड़ा न भवति तस्य केशानां वर्णः कृष्णः एव वर्तते श्वेतः न जायते तस्य केशानां पतनमपि न जायते अतः अस्माभिः नित्यं शिरसि तैलाभ्यंगम करणीय। इसके शब्दार्थ को देखे तो है नित्यम प्रतिदिन, स्नेह अर्थात तेल, आर्द्र शीर्ष है अर्थात तेल में मालिश करने से शिरः शूलम सिरदर्द सरदर्द न जायते नहीं होता है, न खालित्यम, खालित्यम का अर्थ होता है गंजापन, न पालित्यम, और पालित्यम का अर्थ होता है बालों का सफ़ेद होना, केशाः अर्थात बाल प्रपतन्ति गिरते हैं च। और तो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि तेल मर्दन करने से, बालों में तेल लगाने से, प्रतिदिन तेल लगाने से शिरोवेदना सर में दर्द नहीं होता, दूसरा बाल सफ़ेद नहीं होते, तीसरा बाल झड़ते नहीं, और न केशाः प्रपतन्ति ना ही बाल गिरते हैं। तो सिर में तेल लगाने के ये फायदे होते हैं कि पहला तो सरदर्द नहीं होता, और दूसरा यह है कि बाल झड़ेंगे नहीं, बाल गिरेंगे नहीं, बाल सफ़ेद नहीं होंगे और गिरेंगे नहीं। तो ये सारे फायदे तेल मर्दन करने के बताए हैं पहले श्लोक में। तो बालकों को या विद्यार्थियों को सीखने लायक बात यह है कि प्रतिदिन तेल की मालिश करनी चाहिए। इसका अगला श्लोक हम देखें, बलह शिरह बलम शिरह कपालानाम विशेषेण अभिवर्धते दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च। अन्वय देखिए, शिरसि तैलमर्दनेन शिरः कपालानां विशेषेण बलम अभिवर्धते केशाः दृढ़मूलाः दीर्घाः कृष्णा च भवन्ति। इसका भाव यह है, शिरसि तैल प्रयोगेण शिरसः अस्थानां शक्ति वर्धते अर्थात मस्तिष्कः अधिकः क्रियाशीलः भवति केशानां मूलानि सुदृढानि भवन्ति तेन केशाः दीर्घाः श्यामवर्णा च जायन्ते अतः शिरसि तैलप्रयोगः अवश्यमेव कर्तव्यः सुन्दरैः केशैः मानवः चिरं शोभते। इसका शब्दार्थ देखें तो बलम अर्थात बलशाली, शिरः कपाल, शिरः कपाल होते हैं सिर की हड्डियाँ, विशेषेण
विशिष्ट रूप से अभिवर्धते मानी बढ़ती हैं, उनका विकास होता है। दृढ़ मूलाश्च, दृढ़ मूल, मूल अर्थात जड़, मजबूत जड़ों वाले हो जाते हैं। दीर्घाश्च, दीर्घ मानी बड़े बड़े, और कृष्णाः काले, केशाः बाल भवन्ति होते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि तेल मर्दन करने से जो सिर की हड्डियां हैं उनका अच्छी तरह से विकास होता है, अर्थात दिमाग का सुव्यवस्थित विकास हो जाता है। दूसरा है कि तेल मर्दन करने से बाल दीर्घ होते हैं, लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, और कृष्णाः भवन्ति, काले रहते हैं, सफ़ेद नहीं हो पाते। दृढ़ मूलाश्च, और उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो चार उपयोग तेल मर्दन के इस श्लोक में बताए गए हैं। इसका अगर हम अगला श्लोक देखें, नच आश्यम कंठ शोष है स्यात् नोष्ठयो स्फुटायनम स्फुटनायम नच दंताः क्षयम यान्ति दृढ़ मूलाः भवन्ति च। इसका अन्वय देखिए, अस्य नरस्य नच कंठ शोष है स्यात् न ओष्ठयो स्फुटनात् भयम् अस्य दंताः च क्षयम न यान्ति दृढ़ मूला च भवन्ति। भाव इसका बताया गया है कि मुखे तेल मर्दनेन कंठः न परिशुष्यति ओष्ठयोः स्फुटनात् भीति न भवति तैल प्रयोगेण च दन्तानां मूलानि दृढानि भवन्ति ते च बाल्यकाले एव न विनश्यन्ति अतः मुखे दन्तेषु च शर्षपतेलाभ्यङ्गः नित्यमेव करणीयः। दन्तैः मानवस्य न केवलं शोभा भवति अपि तु भोजने तु तेषाम् उपयोगः प्रशंसनीयः। इसका शब्दार्थ देखें, अश्यम यानी मनुष्य के कंठ शोष है, कंठ का सूख जाना स्यात् होता है, न ओष्ठयो हो और नहीं होठों का स्फुटनायम, स्फुटनायन का अर्थ होता है फटना, न च दंताः, दंताः दांत, क्षयम टूटते हैं, यान्ति प्राप्त होते हैं, दृढ़ मूलाः भवन्ति और मजबूत जड़ों वाले होते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में फिर से वही बातें कि दूसरा उपयोग बताया गया है कि तेल का प्रयोग मुख में करने से, अर्थात मुख में तेल की मालिश करने या तेल लगाने से कंठ सूखते नहीं हैं ऐसा कहा जाता है। दूसरा, होठ नहीं फटते, सर्दियों में या गर्मियों में गर्म हवा चलती है, सर्दियों में जब सर्द हवा चलती है तो होठों का फटना स्वाभाविक है। तो इसमें तेल मर्दन के बारे में बताया गया, अगर हम तेल का प्रयोग करें, मुँह में लगाएँ तो कंठ नहीं सूखेगा, दूसरा होठ नहीं फटेंगे, और दंताः क्षयम् न यान्ति अर्थात दांत नहीं टूटेंगे, जल्दी नहीं गिरेंगे। हम देखते हैं कि बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं तो उनके बचपन में ही ये दांत झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और जब नए दांत निकलते हैं तो विकृत अवस्था में हो जाते हैं, उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि दृढ़ मूलाश्च भवन्ति, और फिर कहीं कहीं नुस्खे आते हैं जो हम लौकिक साहित्य में, लौकिक जीवन में भी करते हैं कि जैसे तेल, सरसों के तेल में नमक मिला के मसूड़े पे मालिश करने से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत सुदीर्घ बनते हैं कि बहुत दिनों तक टूटेंगे नहीं। तो ये सारे फायदे तेल मर्दन के बताए हैं चरक ने। तो यही बात फिर से श्लोक में सीखने लायक कि तेल का मर्दन हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, अतः हमें तेल का उपयोग देखते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका हम अगर अगला श्लोक देखें, इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वक भवति चाननम निद्रा लाभ सुखम चशान मूर्धनि तैल निषेवणात्। मूर्धनि तैल निषेवणात् इंद्रियाणि प्रसीदन्ति आननम च सुत्वक भवति सुखम निद्रा लाभ चशात। भाव देखिए, शिरसि तैलाभ्यंगेन इंद्रियाणि प्रसन्नानि सक्रियाणि च भवन्ति आननस्य कांति वर्धते कृत्रिम उपकरणानां च आवश्यकता एव न भवति सुखपूर्वकं निद्रा भवति। इसका शब्दार्थ देखें तो इंद्रियाणि, जो हमारे पांच इंद्रियां हैं, नाक, आँख, कान, त्वचा आदि, प्रसीदन्ति, प्रसन्न होती हैं। सुत्वक, त्वक का अर्थ होता है त्वचा, अर्थात त्वचा सुभवती, अच्छी हो जाती है। च आननम, और मुख की, आनन माने मुख, निद्रा लाभ, निद्रा का लाभ अर्थात नींद आना, सुखम सुखपूर्वकम स्यात् होता है। मूर्धनि सर्मे, मूर्धनि का अर्थ होता है सिर, तेल निषेवणात् तेल लगाने से। तो फिर से प्रस्तुत श्लोक में तेल के उपयोग के फायदे क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा की गई है कि
कि इंद्रियाणि प्रसीदन्ति, कि सिर में तेल लगाने से मूड अच्छा रहता है, अर्थात हमारी सारी इंद्रियां अच्छी तरीके से काम करती हैं। कहते नहीं कि जब सर मूड अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, सारा काम अच्छा होता है। जब सर में तेल लगाएं तो हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से काम करे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, तो काम करने की जो उत्पादन शक्ति वो ज़्यादा रहेगी, किसी काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, सूत्वक भवति च आननम, आननम मुख, कि मुख पे तेल मर्दन करने से जो मुख है वो कांतियुक्त हो जाता है, उसमें एक अलग प्रकार की कांति दिखने, चमक सी आ जाती है तेल मर्दन करने से। दूसरा है कि निद्रा लाभ सुखम प्राप्यते, कि तेल मर्दन करने से जब दिमाग कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, तो निद्रा लाभ अर्थात नींद अच्छी तरह से आएगी, सारी थकान दूर हो जाएगी। तो कई बार बताया जाता है ना, लौकिक जो नुस्खे होते हैं कि सोने से पहले हाथ पैर धो के और सर में तेल लगा के आपको नींद लेनी चाहिए, ताकि सारी थकान दूर हो जाती है। निद्रा लाभ है, निद्रा लाभ होता है, सुखम सुख की प्राप्ति होती है, मूर्धनी अर्थात सिर में तैल निषेवणात्, की तेल लगाने से। तो प्रस्तुत श्लोक में भी चरक ने तैल मर्दन के उपयोग बताते हुए फिर से ये एक अप्रत्यक्ष रूप से हमें निर्देश दिया है कि इन सब चीज़ों का अर्थात तेल आदि का प्रयोग हमें जीवन में करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए अति उपयोगी है। इसका हम अगला श्लोक देखें तो सुस्पर्शो उपचितांगश्च बलवान प्रियदर्शन भवत्यभ्यंग नित्यत्वान नरो अल्पजर एव च। अन्वय देखिए, अभ्यंग नित्यत्वात् नरः सुस्पर्शो उपचितांग बलवान प्रियदर्शन अल्पजर एव च भवति। भाव देखिए, यह नरः प्रतिदिनं तैलाभ्यंगं करोति तस्य शरीरं कोमलं पुष्टं च भवति, सह बलवान सुंदर शरीरश्च जायते, सह विलंबेन एव वृद्धः भवति। इसका शब्दार्थ देखें, सुस्पर्श, सुस्पर्श यानी स्पर्श करने योग्य, कमनीय, उपचित मानी बलशाली, शरीर का हड्डियों का मजबूत हो जाना, बलवान और बलशाली, प्रिय दर्शन है और प्रियदर्शी मानी तेल लगाने से शरीर सुंदर हो जाता है, भवति हो जाता है। अभ्यंग तेल मालिश करने से नित्यत्वात् प्रतिदिन नरह मनुष्य अल्प जरह अर्थात जरह मानी बुढ़ापा उसका कम रहता है एवच है इस तरह से। तो फिर से प्रस्तुत श्लोक में तेल मर्दन की विशेषता के बारे में बताया गया है कि तेल मर्दन के और क्या क्या फायदे हैं। तो पहला है कि सुस्पर्श है, तेल मालिश करने से शरीर की त्वचा कोमल हो जाती है। हमने देखा होगा कि जो पहलवान होते हैं वो अपने शरीर पे तेल मर्दन करते हैं, तेल मर्दन करने से बाल उनके शरीर पे नहीं उगते हैं और वो उस प्रतियोगिता के लिए उनको फ़ायदा होता है कि शरीर पे बालों का न होना। उसके बाद बलवान, कि शरीर बलवान होता है, बलशाली हो जाता है। फिर प्रिय दर्शन है, जब हम पूरे शरीर पे तेल मालिश करते हैं तो हमारे शरीर के जो अस्थि आदि हैं वो मांसपेशियाँ वो सुडोल बन जाती हैं प्रतिदिन तेल मालिश करने से। सुडोल होने के कारण शरीर थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है। फिर अल्पजर है, हम यदि प्रतिदिन तेल मालिश करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा रहेगा और उसके ऊपर जो जरावस्था का प्रभाव है वो काफ़ी देर से आएगा, अर्थात जरावस्था मनुष्य को बहुत जल्द ही नहीं घेर लेगी। जो लोग तेल मालिश नहीं करते उनकी तुलना में जो तेल मालिश करता है उसको उस पर जो बुढ़ापे का असर वो देर से होगा। जायते सौ कुमारियम च बलम स्थैर्यम च पादयो दृष्टि ही प्रसादम लभते मरुतश्च उपशाम्यते उपशाम्यति। अन्वय है, देखिए, पादयो तेलाभ्यंगात सौ कुमारियम बलम स्थैर्यम च जायते दृष्टि ही प्रसादम लभते। भाव है, देखिए, पादयो तैल मर्दनेन पादौ कौमलौ बलयुक्तौ दृढ़ौ च भवतः नेत्र ज्योति वर्धते वात विकाराणां च उपशमः अर्थात नाशः जायते अतः तैल मर्दनं तु नित्यं कुर्यात्। इसका हम अगर शब्दार्थ देखें तो जायते होता है, सौकुमार्यं सुकुमारता बलम बल स्थैर्यम अर्थात स्थिरता पादयोः पैरों की दृष्टिः अर्थात देखने की शक्ति प्रसादं लभते बढ़ती है मरुतश्च उपशाम्यति। मरुत होता है हवा अर्थात जो वात रोग होते हैं शरीर में
उपशामिते उनका नाश होता है। तो फिर से प्रस्तुत श्लोक में चरक ने बताया है कि तेल मर्दन के और क्या क्या उपयोग हैं, फायदे हैं। तो पहला है कि जायते सौ कुमारियम, कि सुकुमारता आती है शरीर में, शरीर दर्शनीय हो जाता है। उसके बाद बलम, शरीर बलशाली होता है। स्थैर्यम पादयो हो, कि पैरों में तेल मालिश करने से पैरों में स्थिरता आती है, शरीर सुंदर होता है और बलशाली होता है। तीसरा कि पैरों में तेल मालिश करेंगे तो दृष्टि लाभ होता है, कि तेल मालिश करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है पैरों में तेल लगाने से। और मरुतश्च उपशाम्यते, कि जो वात रोग हैं, तीन तरह के हम रोग बताते हैं वात पित्त कफ आयुर्वेद में, तो जो वात रोग हैं उनका नाश होता है, कि जो वात से संबंधित रोग हैं जो भी हो उनका नाश हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में कि छात्र उपयोगी स्वास्थ्य वर्धन के लिए ये जो श्लोक चुने गए उनमें तेल मर्दन की विशेषता के बारे में बताया गया है कि सुकुमारता आती है, शरीर बलशाली होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है और शरीर सुंदर होता है। तो ये सारे फायदे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं और इनको साहित्य में डाला गया है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें इनका उपयोग करने का निर्देश करते हैं। वर्मा जी, जो प्रस्तुत अध्याय में हलंत नपुंसकलिंग सकारांत शब्दों के बारे में बताया गया है, इसके बारे में भी विस्तार से थोड़ा विद्यार्थियों को बताएं। प्रस्तुत पाठ में कई सकारांत शब्द आए हैं जिनका हम इस पाठ में चर्चा कर सकते हैं। इस पाठ के अंदर जो कि जैसे इसमें बताया गया है हलंत नपुंसकलिंग के सकारांत शब्द हैं, जैसे शिरस है, मनस है, नभस, तपस, यशस, तेजस, शिरस और फिर से शिरस। तो इनके विभक्तियों में रूप कैसे चलते हैं ये इसमें दिखाया गया है कि प्रथमा में जैसे शिरस का देखें, शिरह, शिरसी, शिरांसी, मनह, मनसी, मनांसी, नभसा, नभोभ्याम, नभोभि, ये तृतीया का रूप हुआ। फिर चतुर्थी में है तपसे, तपोभ्याम, तपोभ्यः। पंचमी यशसः, यशोभ्याम, यशोभ्यः। षष्ठी में तेजसः, तेजसोः, तेजसाम। सप्तमी में शिरसि, शिरसोः, शिरसुः। और संबोधन में हे शिरः, हे शिरसि, हे शिरांसि। तो इस तरह से कई सकारांत शब्द इसमें आए जिनके बारे में हम, अगर बालक लोग एक सकारांत शब्द को याद कर लें तो उसके आधार पर कई रूप सिद्ध कर सकते हैं। जो सभी सकारांत हलंत जो नपुंसकलिंग है उनके रूप इसी तरह चलेंगे, इसी तरह से चलेंगे और उनको अपनी परीक्षा उपयोगी उसमें तैयार कर सकते हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। एक वर्मा जी, प्रस्तुत अध्याय में जो मतुक प्रत्यय है उसके बारे में भी बताया गया है, तो प्रत्यय क्या होते हैं और मतुक प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से होता है, इस विषय में बताएं। जैसे प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है और प्रत्यय के लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, शब्द के अर्थ को बदल देता है, कोई विशेष अर्थ उसका हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में जैसे मत्तुक प्रत्यय का प्रयोग किया गया जिसको हम देखें, इसमें बताया गया हिंदी भाषायाम वाला इति अर्थे मतुक प्रत्यय प्रयुज्यते। मतुप इति प्रत्यय से मत इति शेषः भवति, यदि शब्दस्य अन्ते अ आ इति भवति तर्हि मत इति स्थाने वत भवति। जैसे बल मतुप है तो उसका बलवत हो जाएगा, बलवत पदस्य रूपाणि पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे च द्रष्टव्यानि। बताया गया है कि मतुप प्रत्यय लगने से उसका अर्थ आता है वाला, जैसे बल में मतुप प्रत्यय लगाएं तो हम उसका अर्थ हो जाएगा बलवान, हिंदी में बलवत, नपुंसकलिंग हो जाएगा बलवत और स्त्रीलिंग में बलवती, जिसका अर्थ एक ही रहेगा बलवान, बलशाली। प्रस्तुत पाठ में जो कुछ उदाहरण आए उनको हम देख सकते हैं, जैसे पहला है बल मतुप, मिलाने से हो जाएगा बलवत। मतुप का केवल मत शेष रहता है, इसका पुल्लिंग में बनेगा बलवान, स्त्रीलिंग में बनेगा बलवती, नपुंसकलिंग में बलवत। फिर है धन के साथ मतु प्रत्यय का अगर हम योग करें तो धनवत बनता है, जो पुल्लिंग में बनेगा धनवान, स्त्रीलिंग में बनेगा धनवती और नपुंसकलिंग में धनवत। श्री के साथ अगर मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो श्रीमत मूल शब्द बनता है, जो कि पुल्लिंग में बनेगा श्रीमान, स्त्रीलिंग में बनेगा श्रीमती और नपुंसकलिंग में श्रीमत। अगर हनु के साथ जोड़े तो हनुमत, हनुमान, हनुमती, हनुमत। इस तरह से प्रस्तुत पाठ में जो मतु प्रत्यय दिखाया गया है, मतु प्रत्यय का प्रयोग, उसके आधार पे विद्यार्थी
अपने लिए मतु प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहाँ कहाँ और किस स्थिति में किया जाता है वो उनको पता लग सकता है और उसका अपने वाक्य प्रयोग में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह वर्मा जी, उपसर्ग संस्कृत साहित्य में जो उपसर्ग का है, उपसर्ग के विषय में भी विद्यार्थियों को बताएं। उपसर्ग के साथ भी यही शर्त है कि लेकिन उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और पहले लगने से उनके अर्थ में एक विशिष्ट अर्थ आ जाता है। जैसे कई सारे उपसर्ग बताए गए हैं हम, जिसमें कहते हैं कि प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ये सारे प्रादि उपसर्ग होते हैं जो कि शब्द के पूर्व में लग के उसके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग अपने आप में बदलाव निलाते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जी, किसी शब्द के साथ लगकर ही उसके शब्द के अर्थ को विशिष्ट कर देते हैं, उसके शब्द के अर्थ में चमत्कारिता पैदा कर देते हैं, उसके अर्थ को विशिष्ट कर देते हैं। जैसे प्रत्यय में अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इसमें भी अर्थ का परिवर्तन हो जाता है और एक विशिष्ट अर्थ का उत्पादन वो करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आरोग्यम परमम सुखम विषय पर चर्चा की। आशा है विषय अध्ययन में आज की चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी। आगे भी हम इसी तरह की चर्चाएं लेकर आते रहेंगे और आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से।